सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विजय सांपला जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह, श्री अविनाश राय खन्ना, श्री प्रभात झा, संसद में मेरे साथी श्रीमान नरेश गुजराल जी, जलंधर सेंट्रल के भाजपा के उम्मीदवार हमारे वरिष्ठ साथी श्री मनोरंजन कालिया जी, लुधियाना उत्तर से भाजपा उम्मीदवार श्री प्रवीण बंसल जी, जालंधर कैंट से अकाली दल के उम्मीदवार श्री सरबजीत सिंह मक्कड़, आदमपुर से अकाली दल के उम्मीदवार श्रीमान पवन कुमार टीनू जी, जालंधर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार श्री मोहिंदर भगत जी, दसिया से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती सुखजीत कौर शाही, जालंधर उत्तर से उम्मीदवार श्री केडी भंडारी जी, फगवाड़ा के उम्मीदवार श्री सोम प्रकाश जी, लुधियाना पश्चिम के उम्मीदवार श्री कमल चेटली जी, शाहकोट के अकाली दल के उम्मीदवार श्री अजीत सिंह कोहार, होशियारपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान टिकन शान छूत, लुधियाना सेंट्रल से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान गुरुदेव शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मुकेरिया से श्री अरुणेश शकीर जी, श्रीमान सुखदेव सिंह जी, मेरे साथ सब पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ बसंत पंचमी के रंग से रंगने की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ पंजाब के भाग्य को एक नई ऊर्जा देना, एक नई ताकत देना और उसके लिए पंजाब चुनाव के मैदान में खड़ा है। भाइयों बहनों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये संतों की धरती है,
ये त्याग और बलिदान की धरती है। यहां का किसान पसीना बहा करके देश का पेट भरता है और यहां का जवान अपना खून बहा करके मां भारती की रक्षा करता है। हिंदुस्तान में प्रदेश तो बहुत है लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी ज्यादा कुछ और है। पंजाब की आन बान शान भारत का माथा ऊंचा करती है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने पंजाब की धरती से निकले हुए गेहूं से अपना पेट न भरा हो, ऐसा कोई देश में इंसान नहीं। ये पंजाब की धरती देने वालों की धरती है, ये पंजाब की धरती जब जब देश को जरूरत पड़ी सीना तान करके कोई खड़ा रहा तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है। देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए मौका आया तो पंजाब ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंजाब को भला बुरा कहने पर तुले हुए हैं। अपीड़ा तो तब होती है कि जिस देश की सेना पंजाब के वीरों के कारण, त्याग और बलिदान के कारण, डिसिप्लिन के कारण, डेडिकेशन के कारण गर्व अनुभव करती है, उस पंजाब के युवकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भला बुरा कहा जाए, बदनाम किया जाए, न जाने कैसे कैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाए। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर चली जाएगी? मैं पंजाब के नौजवानों से आज कहना चाहता हूं, राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन देश और दुनिया में पंजाब के नौजवानों की छवि जिन्होंने खराब की है, पंजाब के नौजवानों को दुनिया में जा जा करके बदनाम करने का पाप किया है, ऐसे लोगों को पंजाब के वास्ते, पंजाब के गौरव के वास्ते, पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दौर भी देखा है। पंजाब में हिंदू सिख एकता को संकट का दिन भी देखा है, निर्दोषों को मरते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे ने पंजाब पर शक नहीं किया था, पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का किसी ने प्रयास नहीं किया था।
इतने बुरे हाल आए थे उसके बाद भी पंजाब पर भरोसा पूरे हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा रखा था। आज उसी पंजाब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाबियों के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के नौजवानों के गौरव के लिए, पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जलंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं, भाइयों बहनों देश में दलों को भी देखा है और आपने नेताओं को भी देखा है। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है, राह क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग ऐसा। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो। परेशान परेशान महसूस हो रहे हैं। 5 साल पहले जब चुनाव चल रहा था वो घर में बैठे बैठे तय करके बैठ गए थे, दर्जी को बुला लिए थे, कपड़ों की सिलाई करवा रहे थे, शपथ लेना है। और पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए, लेकिन ये पंजाब की जनता है, उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता ऐसे वरिष्ठ नेता बादल साहब का मार्गदर्शन में और नई ऊंचाइयों का संकल्प करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों ये कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। वो बंगाल में चुनाव लड़ने गए, कैसे भी करके अपने आप को बचाना है, पार्टी बच जाए, इज्जत बच जाए, बंगाल में गए, कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर दिया। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस को 50 साल से लगातार राजनीतिक लड़ाई चलती रही, लेकिन सत्ता भूख ऐसी थी कि वहां जाकर के बैठ गए उनके साथ, और उन्होंने जो टुकड़ा फेंका, ठीक है भाई इतना सही, हमें संभाल लो, बचाओ हमें बचाओ। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा उनकी पार्टी महीनों तक गांव गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते हैं कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला,
भीड़ को उत्तेजित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ, वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। कोई उसूल नहीं, कोई नियम नहीं। भाइयों बहनों, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने के लिए आज चुनाव के अंदर कैसे भी करके कुछ दे दो इस हाल से गुजर रही है। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक बीती हुई बात है। कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है, उससे कुछ होने वाला है। राजनीतिक जीवन में उसूल होते हैं। ये बादल साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा थी कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री, उनके विषय में बार बार कहा जाता था कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री, और तब से लेकर के अब तक तपस्या करते करते सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री ये भी हिंदुस्तान में उनको कहा जाता। आप कल्पना कर सकते हैं, जब हिंदू सिख एकता में दरार पड़ गई थी और उसको चौड़ी करने के लिए राजनीति चल रही थी, तब हिम्मत करके हिंदू सिख एकता ये मेरी प्राथमिकता है, उस मुद्दे को लेकर के सार्वजनिक जीवन में जीने का प्रयास बादल साहब ने किया। हिंदू सिख एकता ये उनका प्राथमिक उसूल रहा, और आज पंजाब बचा है, आज पंजाब आगे बढ़ रहा है, तो हिंदू सिख एकता के भरपूर बादल साहब के प्रयासों का परिणाम है, ये पंजाब कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, ढेर सारे लोग मिलेंगे, दल बदलना ये उनका मानो हर चुनावी उत्सव होता है। जहां पर कुछ रोशनी नजर आए तो भाग करके जाना, ऐसे बहुत दल और दलों के लोग देखे हैं आपने। कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी बंगाल में कम्युनिस्टों के पास भागो, उत्तर प्रदेश में सपा के पास भागो, ये बादल साहब देखिए, इतने सालों का सार्वजनिक जीवन, न दल बदला न दिल बदला, अपने आप को पंजाब को समर्पित करके रखा। और इसलिए भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसी अड़कता बहुत कम मिलती है जो बादल साहब ने दिखाई है। और जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी, जब मैं पंजाब में पार्टी के प्रभारी के रूप में जब यहां रहता था, बादल साहब की उंगली पकड़ करके चलता था, और आज मैं प्रधानमंत्री बना हूं, तब भी मेरी और बादल साहब की कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई है, कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जिसमें बादल साहब ने किसानों के मुद्दों की मेरे से चर्चा न की।
यानी उनके जहन में, उनके दिल दिमाग में किसान किसान किसान, गांव गरीब, उसका विकास, ये बातें दिन रात उनके दिल में रहती है और उसके लिए कुछ कर गुजरने का इरादा रहता है। भाइयों बहनों, पंजाब यहां के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करके दिखाने वाला मेरा किसान है यहां। और किसानों के विकास को लेकर के दिल्ली में सरकार जो बैठी है, अभी अभी आपने देखा होगा, ये नोटबंदी के बाद हमने निर्णय किया किसानों के कर्ज में जो ब्याज है, सैकड़ों करोड़ रुपये का बोझ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार उठाएगी और किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। हमने बीमा पॉलिसी लाई, आज हिंदुस्तान का किसान पहली बार कृषि बीमा का लाभार्थी हुआ है। कोई भी संकट आ जाए, ओले गिर जाए, बारिश आ जाए, बारिश न आ जाए, कीड़े पड़ जाए, अगर किसान की फसल को नुकसान होता है तो भारत सरकार ने बीमे की ऐसी योजना बनाई कि किसान को उसका मुआवजा मिल जाए और मेरे किसान को कोई तकलीफ ना हो। भाइयों बहनों, हमारे देश में यूरिया, हम सब जानते हैं, जब यूरिया की जरूरत होती है किसान को काले बाजारी से लेना पड़ता था, यूरिया के लिए कतार लगानी पड़ती थी और राज्य सरकार भारत सरकार एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। दिल्ली में बैठे हुए लोग कहते थे हमने तो यूरिया भेज दिया, राज्य वाले कहते थे यूरिया मिला नहीं, यही झगड़े चल रहे थे। भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले दो साल से हिंदुस्तान में यूरिया के लिए कहीं किसानों को कतार में नहीं खड़ा रहना पड़ा, यूरिया के लिए कहीं लाठीचार्ज की नौबत नहीं आई, यूरिया के लिए हिंदुस्तान के किसान को कहीं पर काले बाजारी से खरीदने की नौबत नहीं आई। ये कैसे हुआ? रातों रात कारखाने नहीं लगे, रातों रात यूरिया का उत्पादन नहीं बढ़ा है, हमने चोरी को रोका है, भ्रष्टाचार को रोका है, बेईमानी को रोका है और उसके कारण जो यूरिया कारखानों में चला जाता था, केमिकल फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था, हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया और नीम कोटिंग करने के कारण अब एक ग्राम यूरिया भी खेती के सिवाय किसी के काम आ नहीं सकता है और इसलिए यूरिया की चोरी बंद हो गई और किसानों को उसका लाभ हो गया। जब नीम कोटिंग यूरिया दिया तो मैंने कमेटी बिठाई, मैंने कहा जरा अध्ययन करो भाई, क्या फायदा हुआ है? मार्केट में तो फायदा हुआ, यूरिया उपलब्ध हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लेकिन किसान को भी प्रति एकड़ यूरिया की आवश्यकता कम हो गई, प्रति एकड़ उसकी उत्पादन में वृद्धि हो गई, किसान के तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए। ये काम करना, ये दिल्ली में बैठने के बाद दो साल के भीतर भीतर हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, हमारी समस्याओं का समाधान विकास में है। अगर राजनीति करनी है तो विकास की करो, विनाश की राजनीति तो 70 साल तक देश ने देखी है और उस बर्बादी का फल आज देश की युवा पीढ़ी भुगत रही है। और इसलिए आप मुझे बताइए, एसवाईएल नहर, क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं चाहिए?
क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए? जो हिंदुस्तान का पेट भरता है उस किसान की धरती मां को पानी से भरना नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, किसान को पानी मिलना चाहिए। और इसलिए हमने एक बहुत बड़ा हिम्मत से फैसला किया है कि सिंधु नदी का पानी, जिस पर हमारा हक है, जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तान के हक का पानी हम लाएंगे और पंजाब की धरती को वो पानी देंगे। भाई बहनों, हम उस प्रकार से काम करने वाले लोग हैं जिसके दिल दिमाग में विकास भरा पड़ा है, हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी का भाग्य बदलने का फैसला। भाइयों बहनों, अभी बादल साहब बता रहे हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके कुछ दिन बाद मुझे लुधियाना आने का अवसर मिला और मैं देख रहा था पंजाब का हर परिवार अपने आप में एक विजय का एहसास कर रहा था, गर्व कर रहा था, क्योंकि पंजाब वीरों की धरती है। और जब हिंदुस्तान की सेना ने पराक्रम किया, उसकी सबसे ज्यादा खुशी अगर कहीं नजर आती थी तो पंजाब के हर परिवार में नजर आती थी, निवृत्त सेनानियों में नजर आती थी। पंजाब में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर सेवानिवृत्त फौजी न रहते हो। मैं मेरे फौज के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते थे कि देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए? कब तक हमारे सेना के जवान मरते रहेंगे? कब तक हमारे जवानों को शहीद करते जाएंगे? और तब जाकर के भारत की सेना भी पराक्रमी है, भारत की सेना किसी से कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन अपने लिए रक्षा करने के लिए सारे मार्ग उसको मंजूर होते हैं। और सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे पराक्रमी जवानों ने। भाइयों बहनों, फौज के निवृत्त लोग 40 साल से वन रैंक वन पेंशन, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हर चुनाव में आकर के ये कांग्रेस के नेता झूठी बयानबाजी, झूठे वादे करके गए थे कि नहीं गए थे? सेवानिवृत्त जवानों की मीटिंग ये करके बड़ी बड़ी बातें बता के गए थे कि नहीं गए थे? भाइयों बहनों, ऐसी कैसी पार्टी कि देश के लिए मरने जीने वाले लोगों के सामने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, आंख में आंख मिलाकर के बात नहीं कर पाती थी, झूठे वादे करती थी और 40 साल तक वन रंग वन पेंशन को लटकाए रखा? ये दिल्ली में हमारी सरकार आई, देश के सेना के लिए हमें गर्व है, फौजियों के लिए गर्व है, और इसलिए हमने वन रैंक वन पेंशन का मसला सुलझा दिया। अब जब वन रैंक वन पेंशन की बातें लोग करते थे, शुरू में लोग मुझे बताते थे सब 500 करोड़ में हो जाएगा, कोई कहता नहीं सब 1000 करोड़ में हो जाएगा, कोई कहता था 1200 करोड़ में हो जाएगा। जब हम बराबर हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब एक मुश्त 10000 करोड़ रुपया निकालना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है। मैंने सेना के जवानों को बुलाया, फौजियों से बात की, मैंने कहा भाई मैंने वादा किया है, मुझे वादा पूरा करना है, लेकिन आपकी मदद चाहिए। आगे फौजी लोग हैं,
देश के लिए अगर उनसे कुछ कहो वो कभी झिझकते नहीं है। उन्होंने कहा मोदी जी बताइए हम क्या करें। हमने कहा भाई ये वन रैंक वन पेंशन का जो पैसा है मुझे देना है, लेकिन एक साथ नहीं दे पाऊंगा, चार किस्त में दूंगा, चार टुकड़ों में दूंगा, इतनी आप मेरे लिए सहूलत कर दीजिए। और मैं मेरे फौजियों को नमन करता हूं, उन्होंने एक मिनट में मेरी बात मान ली। 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं और इस बजट के बाद आगे का भी उनको दे दिया जाएगा। भाइयों बहनों, सरकार में विश्वसनीयता होती है, सरकार वादों की पक्की होती है और सरकार उस काम को करती है। भाइयों बहनों, पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर आज भी हम ले जा सकते हैं। जो लोग रुकावट डालने चाहते हैं, रोड़े अटकाना चाहते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की धरती पर आया हूं, आप सबके बीच आया हूं। बजट का सत्र है, बजट की तैयारियां चल रही है, उसके कारण जितना समय दे सकता हूं उतना दे नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने समय निकाल करके आपके बीच आया हूं। परसों भी एक बार आने का प्रयास करने वाला हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पंजाब इस बार एक नया इतिहास करेगा। पहले कहा जाता था कि पंजाब की आदत ऐसी है कि हर चुनाव में सरकार बदलते रहना, लेकिन पंजाब ने पिछली बार उस सारी मान्यताओं को तोड़ करके रख दिया था। अब पंजाब तीसरी बार सरकार बना करके, बादल साहब को मुख्यमंत्री बना करके एक नया इतिहास अंकित करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों की 70-70 साल की कमाई डूब रही है। लूट लूट करके जमा किया वो खतरे में पड़ गया है, अभी तक वो पचा नहीं पा रहे। मौके मिलते ही मुझ पर हमला बोलते हैं, लेकिन ये राजनेता समझ ले, राजनीतिक जीवन में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा मैंने उठाया है। ये भ्रष्टाचार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ये भ्रष्टाचार गरीबों के हक को छीन लेता है, ये भ्रष्टाचार मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जितनी सामान्य आवश्यकता है उससे भी रोक देता है। भाइयों बहनों, ये काला धन भ्रष्टाचार, इसकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मैं बता के रखता हूं जी, मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए हिंदुस्तान के भविष्य को निर्माण करने का एक प्रण लेकर के निकला हूं और इसलिए इस काम को कर रहा हूं। हर दिन खबर आती है इतने पकड़े गए। एक जमाना था, जरा 2014 के अखबार निकाल दीजिए, यूपीए की सरकार थी, 2012-13-14 मई तक के अखबार निकाल दीजिए, अखबार की हेडलाइन क्या रहती थी, कितना गया कोयले में, कितना गया 2G में, कितना गया, लाखों गए कि अरबों गए कि करोड़ों गए। नोटबंदी के बाद खबर आती है कितना आया, पहले खबर आती थी कितना गया,
हर दिन खबर आती थी, अभी तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री के घर में से 150 करोड़ से ज्यादा नई नोटें पकड़ी गई। लेकिन भाइयों बहनों, न कांग्रेस उनको मंत्री पद से हटाने के लिए सोच रही है, न टीवी मीडिया में उसकी कोई चर्चा हो रही है। 150 करोड़ से ज्यादा रकम कांग्रेस के कर्नाटक के मंत्री के घर से मिल जाए और सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप मुझे बताइए, लूटने वालों की ताकत कितनी ज्यादा है इसका अंदाज आ सकता है? उनके रूट कितने गहरे हैं इसका अंदाज आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए ये लड़ाई कितनी कठिन है, आप मुझे बताइए ऐसी कठिन लड़ाई क्या मैं आपके बिना लड़ सकता हूं? आपके बिना लड़ सकता हूं? आपकी मदद के बिना लड़ सकता हूं? आपकी मदद के बिना बेईमानों को ठीक नहीं कर सकूंगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सहयोग चाहिए। एक ऐसी सरकार आई है दिल्ली में जो दम रखती है, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का दम रखती है। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ लें कि मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं देश के लिए, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आप मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को नौकरी चाहिए सरकार की तो इंटरव्यू होता था, अब मुझे बताइए 1 मिनट के इंटरव्यू में क्या पता चल जाता है ये कौन है, कैसा है और उसको रख लो? भाइयों बहनों, ये इंटरव्यू सिर्फ परिचित लोगों को नौकरी दिलाने का, भ्रष्टाचार कराने का खेल था। जान पहचान है, पैसे हैं तो इंटरव्यू में पास हो जाओगे, नहीं तो चक्कर काटते रह जाओगे। भाइयों बहनों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई, हमने आकर के तय कर दिया कि वर्ग 3 और 4 जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां होती है कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। तुमने पढ़ाई की है, अच्छे मार्क होंगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। गरीब विधवा मां का बेटा घर बैठे नौकरी प्राप्त करने लग गया है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है हमारे देश में गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर लेना हो, सगड़ी लेनी हो तो भी किसी एमपी की जरूरत पड़ती थी। एक जमाना था एमपी को 25 कूपन मिलती थी, अपने कार्य क्षेत्र में 25 परिवारों को गैस का सिलेंडर देने की सिफारिश करने की 25 कूपन, और उस एमपी साहब के घर में बड़े बड़े लोग कतार लगा के खड़े हो जाते थे कि बेटा बड़ा हो गया है, अलग रहने गया है, उसको अगर एक गैस का कनेक्शन मिल जाए तो अच्छा होगा। और एमपी साहब कहते थे अभी नहीं, अगले महीने आना। यह हाल था, और अखबारों में कभी कभी आता था कि गैस के कनेक्शन की कूपनें ब्लैक में बेची जाती है। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव याद कीजिए, 2014 का चुनाव लोकसभा का याद कीजिए,
हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी? हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी बड़ा अधिवेशन किया और अधिवेशन में घोषणा की कि 9 सिलेंडर नहीं, हम साल भर में 12 सिलेंडर देंगे। सिलेंडर 9 मिले कि 12 मिले, इसके आधार पर दिल्ली में सरकार बनाने का कांग्रेस ने वादा किया। ये हाल है कांग्रेस का। हम आए, हमने सारा देखा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये काहे का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने जनता जनार्दन को रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास आर्थिक रूप से अगर तकलीफ नहीं है तो देश के गरीबों के लिए आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं मेरे देशवासियों के सामने सर झुकाता हूं, 1.25 करोड़ लोगों ने सामने से अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी और मैंने वो सब्सिडी उन गरीब माताओं को दी जो घर में लकड़ी का चूल्हा जलाते थे और गैस का कनेक्शन दे दिया। वो लोग 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इसी के खेल खेल रहे थे, जबकि ये सरकार 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर देने का काम कर रही है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दे चुके हैं और आने वाले 3 साल के अंदर 5 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन देने का काम पूरा कर रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, गरीब मां जब चूल्हे में लकड़ी से चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उस गरीब मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है, 400 सिगरेट का। आप मुझे बताइए क्या गुनाह है उस गरीब मां का? बच्चों का पेट भरने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ रहा है और खुद को हर दिन 400 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। क्या ये मां तंदुरुस्त रह सकती है? क्या वो मां घर में बच्चों को, तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दे सकती है? भाइयों बहनों, इन गरीब माताओं की मदद कौन करेगा? और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम इन गरीब परिवारों को ढूंढ करके 5 करोड़ परिवारों को गैस का सिलेंडर दे करके लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे, हर दिन के 400 सिगरेट के धुएं से उसे मुक्ति दिलाने के। ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार, आजादी के 70 साल हो गए। भाइयों बहनों, क्या मेरे गरीब को रहने का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने सपना संजोया है, 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम हिंदुस्तान के हर गरीब को उसका अपना मकान हो, उस काम को पूरा करने के लिए चाहता हूं। मैं आपकी मदद चाहता हूं इन कामों के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं विकास करने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए, मैं आपकी मदद चाहता हूं हमारे पंजाब के किसान को और खुशहाल करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल का गठबंधन, कमल निशान और टिकड़ी निशान, इसका भरपूर समर्थन करके, भारी मतदान करके गुमराह करने वालों से पंजाब को बचा करके बादल साहब के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाएंगे। इसी एक आप अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Amen.